Morning students, welcome to GYAN GANGA Shiksha Niketan channel. Now we are starting with basic part of grammar. So firstly we will start what is letter. Letter kya hai? A letter is the smallest unit of any language. A letter is the smallest unit of any language. It means किसी भी language की सबसे छोटी unit को letter कहते हैं. Example A, B, C, D, etc. Means A से लेके Z तक जितने भी letters हैं ये सभी letter English language की सबसे छोटी unit है. इसी तरह किसी भी language की सबसे छोटी unit को letter कहते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज एन अल्फाबेट. अल्फाबेट क्या है? एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट. जनरली अगर हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो ये सभी लेटर्स के कलेक्शन है. कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स मीन्स इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हम ले लेते हैं ए से लेके जेड तक. इसमें कितने सारे लेटर्स हैं? 26 लेटर. मतलब इसमें बहुत सारे लेटर कलेक्ट हो रहे हैं. इन्हीं सभी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं. मीन्स अगर हम एक की बात करें तो अल्फ़ाबेट है, अगर बहुत सारे हैं तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं. तो इन्हीं सभी लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं. तो हम सब लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं. नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स इन एन अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वोवल, सेकेंड कंसोनेंट. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोवल्स क्या होते हैं. वोवल, ए वोवल वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वोकलिस मीनिंग वोकल. मीन्स वोवल वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, जो क्या हो गया है? वोकलिस, वोकलिस हो गया. वोकलिस का मीनिंग क्या होता है? वोकल होता है. सो लेटर विच कम्स थ्रू द वोकल डायरेक्टली इज नोन एज वोकल. वो लेटर जो हमारे डायरेक्टली वोकल से पास होते हैं उन्हें हम वोवल कहते हैं. इन अदर वर्ड लेटर लाइक ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वोवल्स. मीन्स ये सभी लेटर्स हमारे कहाँ कहाँ से पास होते हैं? वोकल से पास होते हैं. वोकल मतलब जिसे हम हिंदी में घाटी बोलते हैं. तो हमारे जितने भी मतलब जितने भी वर्ड हमारे वोकल से पास होते हैं उन सभी लेटर्स को क्या कहते हैं? वोवल. तो वोवल हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं. फर्स्ट ए, सेकेंड ई, थर्ड आई, फोर्थ ओ, फिफ्थ यू. कितने होते हैं वोवल्स? वोवल्स 5 होते हैं. अब बात करते हैं कंसोनेंट की. कंसोनेंट, कंसोनेंट ए बेसिक साउंड इन विच द ब्रेथ इज एट लीस्ट पार्टली ऑब्स्ट्रैक्ट. मीन्स वो साउंड जो आप बोल रहे हो पार्टली मतलब कुछ हद तक ऑब्स्ट्रक्ट हो, रुके, मीन्स कहीं ना कहीं फंसे. इन अदर वर्ड ए लेटर विच कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वोवल साउंड इज नोन एज कंसोनेंट. मतलब जो हमारे कहीं ना कहीं पार्ट को हेल्प करता हो, लाइक द टीथ, लिप, टंग, कहीं ना कहीं मतलब टच करता हो तो उन सभी को कंसोनेंट करते हैं. सबसे अच्छा एग्जांपल है कि बी का ले लेते हैं. बी, हमने बी बोला तो हमारे कहाँ टच हुआ? लिप पे टच हुआ. तो इसी तरह बी सी डी एफ के ईटीसी, इसी तरह 21 लेटर्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं टच होते हैं जिन्हें हम कंसोनेंट कहते हैं. मीन्स 21 लेटर्स कंसोनेंट होते हैं. वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं. कंसोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं. So it's enough for today. Thank you and have a nice day. But don't forget like and subscribe GGSN channel. Thank you.